बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की मेरी ये वीडियो ज़िराक्स 5755 फोटोकॉपी मशीन के बारे में है। एक वीडियो ऑलरेडी पहले मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर फोटोकॉपी मशीन में पावर नहीं आ रही तो वो क्या मसला हो सकता है। ये दूसरी वीडियो है कि और क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर फोटोकॉपी मशीन में पावर नहीं आ रही। तो देखें, पावर हर तरफ से मशीन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जब मैं पावर का बटन प्रेस करूंगा तो पावर नहीं आती। तो इसका क्या सलूशन है, क्या एक वजह हो सकती है, वो बताने से पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये मशीन की बैक साइड इस तरह नेटवर्किंग केबल भी उतार लें और पावर केबल भी उतार लें। एक ये वाला स्क्रू और एक ये वाला स्क्रू दोनों खोल लें। बैक कवर उतारना पड़ेगा, ये वाला और इसके साथ ये वाला दोनों खोल लें। ये कवर उतार लें, जैसे कि मैंने एक पहले भी एक वीडियो में बताया था कि सारे प्लग उतार लिया करें और इनको दोबारा से लगा लिया करें। अब इसका कनेक्टर जो होता है पावर का, वो ये है। इसको उतारें, इसको उतारने का तरीका ये है कि इसके नीचे ये देखें बटन्स है, इसको आपने ऊपर की तरफ प्रेस करना है। इसको आप ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे ऐसे और इसको ऐसे उतार लेंगे। ये देखें, ये इसके नीचे ये बटन लगा होता है, इसको आपने इस तरह प्रेस करना होता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये निकलता है। वरना इस तरह आप खींचेंगे तो नहीं निकलेगा, तारें टूट जाएंगी। अब आपने इसके भी कनेक्शन देखें पूरे हैं कि नहीं है, ठीक है। यहाँ से तार देखें कोई टूटी तो नहीं हुई है, कोई मिस तो नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा इसको आप उतार के दोबारा लगाएंगे, इसको दोबारा लगाने के बाद ये कवर आपने उसी तरीके से बंद कर देना है। पावर का बटन, पावर की केबल जो है वो लगाते हैं। पावर केबल लगाने के बाद ये देखें, ये लाइट ऑन हुई है, पावर ऑन हो जानी चाहिए। अब पावर ऑन करें, तो ये देखें पावर ऑन हो गई है। इसका कनेक्शन वहाँ से लूज़ था, तो ये कनेक्शन चेक कर लिया करें जब पावर ऑन ना आ रही हो तो। अगर पावर केबल भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है और फिर भी पावर नहीं आ रही, तो ये भी चेक कर लें एक दफ़ा कनेक्शन भी। बाज़ूकात ये कनेक्शन लूज़ हो जाते हैं जिस वजह से मसाइल आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।